सुर्खियों में रहने वाले नीतीश कुमार का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में नीतीश कुमार पुल का काम पूरा कराने के लिए ठेकेदार के पैर छूने की बात करते नजर आ रहे हैं। अब जैसे ही वीडियो वायरल हुआ वैसे ही राजनीति भी तेज हो गई। वीडियो सामने आने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। मामले पर तेजस्वी ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर लिखा है कि पूरे विश्व में इतना असहाय अशक्त अमान्य अक्षम विवश बेबस लाचार और मजबूर कोई ही मुख्यमंत्री होगा जो BDO SDO थानेदार से लेकर वरीय अधिकारियों और यहां तक कि संवेदक के निजी कर्मचारी के सामने भी बात बात पर हाथ जोड़ने और पैर पड़ने की बात करता हो। तेजस्वी ने आगे लिखा कि बिहार में बढ़ते अपराध बेलगाम भ्रष्टाचार पलायन और प्रशासनिक अराजकता का मुख्य कारण ये है कि एक कर्मचारी तक मुख्यमंत्री की नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता और क्यों नहीं आदेशों का पालन करता ये विचारणीय विषय है। हालांकि इसमें कर्मचारी और अधिकारियों का अधिक दोष भी नहीं है। एक कमजोर बेबस मुख्यमंत्री के कारण बिहार में होना वही है जो चंद सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों ने ठाना है, क्योंकि अधिकारी भी जानते हैं कि ये 43 सीट वाली तीसरे नंबर की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। बता दें कि 10 जुलाई को नीतीश कुमार पटना में आयोजित गंगा पथ के गाय घाट से कंगन घाट तक के हिस्से के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे, जहां नीतीश ने अधिकारियों से राघोपुर पुल के निर्माण कार्य की प्रगति के बारे में पूछताछ की। पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि अक्टूबर तक पुल का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पुल निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि से पूछा कि क्या काम समय पर पूरा हो जाएगा। प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि अक्टूबर तक पुल का काम पूरा कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने बताया कि राघोपुर की तरफ सड़क का काम जून 2025 तक पूरा हो पाएगा। मुख्यमंत्री इस बात से नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों, अगर आप काम पूरा नहीं करेंगे तो सिर्फ पुल तैयार करने से क्या फायदा होगा, राघोपुर तो जुड़ेगा ही नहीं, आप जल्द से जल्द काम करिए, आपको क्या दिक्कत है, बताइए ना, हम सारी दिक्कत को दूर करेंगे, पैसे की दिक्कत है तो बताइए, सारी समस्या का समाधान होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर कंपनी के प्रतिनिधि से कहा कि कहिए तो हम आपका पैर छू लेते हैं। मुख्यमंत्री के पैर छूने की बात सुनकर ठेकेदार कंपनी का प्रतिनिधि पीछे हट गया और कहा कि नहीं नहीं सर, ऐसा मत करिए।